हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल और दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। और गाइस यार, कल का व्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि जो है कल रात में ज़्यादा थक गए थे तो सो गए थे। और अभी व्लॉग जो है अपलोड हो ही रहा है, अभी 9 बज रहे हैं और व्लॉग अभी अपलोड हो रहा है, जस्ट जो है मिल जाएगा। और हम जा रहे हैं अभी सामान लेने, मम्मी ने जो कुछ सामान वगैरह लिखवा दिया है कुछ, तो ये है पर्चा सामान का और ये है पैसे एंड जी है फलाना, ये है दिमाग का। तो हम निकल रहे हैं, ठीक है। तो भाई जो है हम निकल रहे हैं सामान लेने के लिए और यहाँ से होती है आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। आज तुम्हारा हमने वीडियो नहीं बनाया, शादी में जा रही। हाँ। किसकी शादी? हम भी चलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, हम भी चलेंगे, केक बनेगा, केक बनेगा। केक शादी में केक बनता है का? केक काटेगी, ठीक है हम भी चलेंगे ना शाम को, अगर जल्दी आ जाएंगे तो चलेंगे, ठीक है जल्दी आ जाएंगे तो चलेंगे, ठीक ओके। अभी जा रहे काम पे, बाय बाय। गाइस यार, हम पहुंच चुके हैं साइट पे और यहाँ पे हुआ क्या कि मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, तो अभी तक रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया। अभी हो चुका है लंच, खाना ना वगैरह हम सब खा चुके हैं और जो है हमारा कारीगर आराम कर रहा है, हम जा रहे हैं चाय लेने। मेरा जहाँ पे काम चलता है ना, मेरा जहाँ काम चलता है उसके बगल में ही जो है यहाँ पे कांच की फैक्ट्री है। मतलब कांच के जो जितने भी कांच होते हैं ना, मतलब बोतल कांच वाली जितनी भी कांच की चीज़ें होती हैं, अब यहाँ देखो ये औरत तो कांच को बोरी में भर के तोड़ रही है एंड जितनी भी बोरियाँ रखी सब में कांच भरा है और जो है लोड हो रहा है। ये देखो ट्रक में लोड हो रहा है भाई, कांचा ही कांच। अब ये शायद कहीं पे जाएगा, वहाँ पे इसको पिघला के जो है इसे अच्छा सा जो है चीज़ें कुछ बनाई जाएंगी। और इतना सारा कांच जो है अभी इसमें पूरा कांच ही कांच लोड हो जाएगा। चल चल भाई, यहाँ चाय कहाँ मिलेगी? मिल जाएगी। देखो यार, अंकल जी ने चाय दी तो, लेकिन ऐसे दे दी, कम से कम पन्नियाँ नहीं दे देते क्या यार? अंकल जी, अंकल जी यार, के क्या कर दिया, देखो ऐसे दे दिया। हमारी चाय ऊपर रखी, ठंडी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे यार ये आ गया था, मतलब प्लाई वगैरह लेके, तो हमारा कारीगर जो है गेट में उनके खड़ा था, प्लाइयाँ गिन रहा था, हम भी ऊपर खड़े थे प्लाई गिन रहे थे। भाई सारी प्लाइयाँ इसने रख दी थी एक साथ, बिना एक सांस में ये सारी प्लाइयाँ उतार दी थी। जाकर आउटडोर में चेक करो आउटडोर चैनल पे। आज यार अब दिन का तो कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाए क्योंकि पूरे दिन तो यहीं थे, काम ही कर रहे थे, तो काम करते करते हो जाती है रात। तो ये टिफिन जो है कारीगर का अपना लेके जाते हैं घर, क्योंकि आज जो है खाना लेके आना था, कारीगर भूखा था और पापा भी सुबह से खाना नहीं खाए थे क्योंकि पापा गए थे दूर वाली साइड पे। अब यहाँ पे हम आते तो पुलिस वाले अंकल जी है जो है अपना ट्रैफिक, भाई ये लोग पूरी दिन मतलब रात में लगे रहते इतनी शोर में, अगर अभी स्पीकर ऑन कर देना सुन आवाज़ सुनने मन ना करे यार। जा रहा हूँ घर खाना लेने, तो लेके खाना लेने जा रहा हूँ तो थोड़ा खाना बनने में टाइम लगेगा, तब तक जो है चाट खा ले रहा, पेट भरा रहेगा, तब तक खाना बनता रहेगा। ले टिफिन में खाना दे दीजिए, 12 बजे तक काम है ना? 12 बजे तक कहाँ काम होगा? मेरा 12 बजे तक काम होगा, उसका टिफिन है कारीगर का अपना है, खाना दीजिए। कारीगरों का टिफिन?
और का काम खाने देने पर ये कोनो ना कह दे। गाइजर मैं जा रहा हूँ टिफिन लेके, जो है कारीगर का पापा ने कह दिया फोन करके कि तो हम तो चले आएंगे, कारीगर केवल टिफिन ले आओ अपना वहीं छोड़ दो। तो मैंने अपना टिफिन वहीं छोड़ दिया और सब्जी मंडी भी चेक कर लो अभी खुली है और 10 बज रहा है अभी। सब्जी मंडी जो है हमें लगा बढ़ने वाली है तो हम लोग को सब्जी भी लेना है, तो भाई ये है कि खुली रहे, देखते हैं क्या होता है। बीड़ी बंडल और माचिस ये भूल गया था, अभी अभी याद आया खुल के आ रहे हैं। गेट ये गेट ही खड़े रहो, आ रहे 5 50 10 इससे काट लो, 2 ये ले लो। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। गाइस यार हम लोग तो साइड से जा रहे हैं, जो कारीगर है वो साइड पे ही रुकेगा रात भर, और जो है सब्जी मंडी में यार सब्जी नहीं लेते हैं, ऐसे ठेले में ही ले लेते हैं। सब्जी मंडी फालतू में हमने देखी थी रुक के, है ना, तो जितने ही सब्जी ले लेते हैं सब ठेले में ले लेते हैं, क्योंकि यार पता नहीं टाइम ज़्यादा हो चुका था, मतलब मान लो 11:15 हो रहा था, तो यार जो है सब्जी मंडी खुली होगी बंद हो भरोसा नहीं, तो हम लोग ने ज़्यादा रास्ते में जो ठेला था उसी से सब्जी ले लिया।